तो यूर्स गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के स्टूडियो में ड्रॉ करने वाले हैं राम जी की आउटलाइन को। तो हम ड्रॉ करने के लिए ग्रिड मेथड यूज़ करेंगे। तो मैंने पेपर पे ग्रिड ड्रॉ कर लिए। तो पहले तो हम 1.5 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे और फिर ग्रिड को मैच कर लेंगे तो हमारी ग्रिड बन जाएगी। और फिर जो हमारी रेफरेंस है ना, तो मैंने रेफरेंस पे भी ग्रिड ड्रॉ कर लिए। तो ये वाले रेफरेंस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। और हम इसको 1.5 सेंटीमीटर जूम कर लेंगे ताकि ना मतलब जो हमारे जो पेपर में जो ग्रेड है ना सेम उस तरीके से हमें जूम कर लेना है ताकि उससे क्या होगा हमें ऑब्जर्व करने में ना आसानी होगी, है ना। तो उससे ना हमारी आउटलाइन में बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। तो जो हमारी आई है ना, ये जस्ट हमारे राइट वाले साइड पर बनी हुई है 13 वाले ग्रेड में, और जस्ट ऊपर वाले साइड बनी हुई है हमारे ये 8 वाले ग्रेड में, है ना। तो उस जगह हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो उससे क्या होगा हमें मतलब ऑब्जर्व करने में ऐसे ही होगा कि हमें पता चल जाएगा कि वहाँ से हमारी आई ड्रॉ होगी और उस अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करने में ईजी रहेगा। तो आप मार्क कर लेना। तो मैंने मार्क कर लिया। अब मैं इस जगह से आई बनाना स्टार्ट करूँगा और आई बनाने के बाद हमें मतलब ईजी रहेगा कि मतलब किस साइड क्या बनेगा। तो हमें देखते रहना चारों तरफ रेफरेंस को ऑब्जर्व करना है कि किस ग्रेड में कौन सी चीज़ है, किस ग्रेड में कौन सी चीज़ है। तो बस एक बार आई ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ड्रॉ करने में। फिर आपको देखते रहना है कि बस इसके बगल में कौन से ग्रेड पे कौन सी चीज़ है, बस वही ऑब्जर्व करना है। फिर आपको ग्रेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आप ड्रॉ करो, तो रेफरेंस को ऑब्जर्व करो और ड्रॉ करते रहो तो आपकी आउटलाइन बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। और ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दो कि मतलब एक बार ड्रॉ करो कुछ चीज़ को तो उसको देखो रेफरेंस में बार बार कि हाँ मतलब सेम लग रहा है नहीं लग रहा। बिगनर्स क्या करते हैं, देखते नहीं है कि सेम है या नहीं है, सीधे बारे में ध्यान देते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए ड्राइंग, तो बस काम ख़त्म करो। तो वो नहीं होगा, वैसे आप करोगे तो ड्राइंग सही नहीं बनेगी। तो आप रेफरेंस को देखो और ऑब्जर्व करो और ड्रॉ करो। और एक चीज़ को आप बार बार बनाओ, मिटा के बनाओ, दो तीन बार बनाओ, लेकिन बनाते रहो, टाइम दो ड्राइंग को और प्रैक्टिस करते रहो। तो बस ड्रॉ करो। और इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्दी आने वाला है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि जैसे इसका न्यू वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और आपको कोई सब ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वाला ट्यूटोरियल आपके लिए आऊँगा। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को। तो फाइनल गाइस ड्राइंग तो चुकी हमारी कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन पर प्रेस करना ताकि जैसे ही न्यू वीडियो तो नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।